अंबाला शहर के रंजीत नगर इलाके से हैरान कर देने वाली बात निकलकर सामने आ रही है। इलाके में बीते 5-6 दिनों से लोगों के घरों और वहां के शिव मंदिर पर ईंट के रोड़े और पत्थर मारे जा रहे हैं, जिससे रंजीत नगर के निवासियों में दहशत का माहौल बना हुआ है। वीडियो में दिखाई दे रही फोटो अंबाला शहर के रंजीत नगर इलाके की है, जहां पर बीते 5-6 दिनों से यहां रहने वाले लोगों के घरों पर ईंट के रोड़े और पत्थर बरसाए जा रहे हैं। आलम यह है कि लोगों का घर से बाहर निकलना दूभर हो चुका है। रंजीत नगर के निवासी फकीर चंद और सतीश कुमार ने कहा कि बीते 5-6 दिनों से उनके घरों की छतों, दीवारों, गाड़ियों और उनके आंगन तक में ईंट के रोड़े और पत्थर बरसाए जा रहे हैं, जिसको लेकर उन्होंने निकटतम पुलिस चौकी नंबर 2 को सूचित भी किया है। उन्होंने बताया कि पत्थर सुबह 11 से 1 बजे और शाम को 7 से 9 बजे के दौरान मारे जाते हैं। रंजीत नगर निवासी राज दुलारी और मंदिर के पुजारी ललित ने बताया कि पत्थर सिर्फ उनके घरों पर ही नहीं बल्कि उनकी गली में स्थित शिव मंदिर पर भी मारे जा रहे हैं। हालांकि अभी तक पत्थर किसी के नहीं लगा है। उन्होंने बताया कि इलाकावासी बारी बारी इलाके की चौकीदारी भी कर रहे हैं, ताकि पत्थर मारने वाले को रंगे हाथों पकड़ा जा सके। वहीं स्थानीय लोगों का पुलिस पर भी जमकर गुस्सा फूटा। उन्होंने कहा कि जिस दिन पुलिस को सूचित किया गया था, सिर्फ उसी दिन पुलिस इलाके में राउंड मारने आई थी, उसके बाद से नहीं आई। अंबाला शहर की पुलिस चौकी नंबर 2 के इंचार्ज नवतेज सिंह ने बातचीत करने की कोशिश की गई तो उन्होंने कैमरे के सामने कुछ भी बोलने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि कुछ दिन पहले रंजीत नगर के इलाकावासी उनकी चौकी पर पत्थर मारने वाली शिकायत लेकर जरूर आए थे, लेकिन उन्होंने लिखित में शिकायत नहीं दी है। 5 दिन हो गए जी लग रहे हैं हमारा, तो पहला 2 बार कार पर लगे, एक बार कोठे पर लगा और एक बार वैसे ही बेड़े में गिरा। बच्चे डर रहे बहुत, मतलब के परेशान हो रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, एक तो दोपहर को गिरते हैं 1 बजे और एक रात को गिरते हैं 7:30 से बाद 8 से पहला। हाँ जी, तो कोई नजर में आया नहीं? आया नहीं, नजर में कोई नहीं आया। तो रात को पहरेदारी होती है? नहीं होती, होती है जी। हाँ जी, सारे मिलजुल के सारे मोहल्ले वाले इकट्ठे हो रहे हैं, सारे कर रहे, मतलब नहीं आना चाहिए जी। उन्हें तो देखना चाहिए, वैसे एक बार आके दोबारा आए नहीं, वो आना चाहिए। वैसे सारे मोहल्ले वाले इकट्ठे हो रहे हैं, सारे इकट्ठे हो रहे हैं, ऐसी बात नहीं है अभी, सबका एक का है। 4-5 दिन तो पत्थर लगे, दिखता कोई है नहीं, अपना पूरा वो कर रहे हैं। हाँ जी, बस 10 फलाए रखी है, सारे इकट्ठे हो जाए, बच्चे हुआ या फिर किसी का लग गया वो मुश्किल है। उस रिपोर्ट कराई, वो सिर्फ 1 दिन आए यहाँ, उल्ट का आए नहीं। सर लगभग 5-6 दिनों से जो है ये सिलसिला चल रहा है, उसका समय कुछ नहीं है। शाम के जो है 8-8:30 बजे जो है डाल देता है, या सुबह 11-12 बजे भी पत्थरबाजी कर देता है। सभी लोग जो है आपस में मिलकर उसका जो है पता लगा रहे हैं, लेकिन फिर भी उसका पता नहीं लग पा रहा है। हाँ जी, पुलिस कंप्लेन दी है सभी लोगों ने मिलकर के। पुलिस वालों का भी यही कहना है भाई, उसका जो है पता लगाइए और हमारे पास कहिए, फिर हम आगे कार्रवाई करें। एक दिन जो है आई थी पुलिस पेट्रोलिंग पर, वैसे दोबारा नहीं आई। नहीं, दोबारा नहीं। ब्रेकिंग न्यूज, रास बसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका, वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6 लाख रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी, जैसे कि फ्री पार्किंग, EDC, IDC फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री, और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं। तो आज ही बिना देर किए अपने सपनों का घर बुक करें।